पौड़ी से है जहां वनाग्नि की घटनाएं लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, जिसको रोकने के लिए जल्द ही एनडीआरएफ की टीम मोर्चा संभालने के लिए पौड़ी के जंगलों में उतरते हुए दिख सकती है। दरअसल पौड़ी के डीएम आशीष चौहान ने वनाग्नि की घटनाओं को काबू में लाने के लिए एनडीआरएफ टीम को पौड़ी भेजने की मांग एनडीआरएफ हेडक्वार्टर से की है। बता दें कि जंगलों में तेजी से फैल रही आग इन दिनों विकराल रूप लेते हुए दिख रही है। फायर सीजन के दौरे में अब तक कई हेक्टर्स जंगल आग से खाक हो चुके हैं और लाखों रुपए के वन संपदा को भी नुकसान पहुंचा है। वहीं पौड़ी के डीएम ने बताया कि जल्द ही एनडीआरएफ की टीम पौड़ी पहुंचकर वनाग्नि को नियंत्रित करने का प्रयास करेगी। वहीं लैंसडॉन विधायक ने भी वनाग्नि की घटनाओं पर चिंता जताई। पौड़ी से मुकेश बछैती की रिपोर्ट। इस संबंध में हम लोग अपने कई सारे प्रयासों को कंबाइन रूप से कर रहे हैं। इंटीग्रेटेड अप्रोच पे जो काम चल रहा है, तो उसमें इवन रेवेन्यू की टीम या दूसरे बहुत सारे नोडल ऑफिसर भी इन्वॉल्व हैं। कल एक्टिव फायर का नंबर शाम तक 25 था और इसी क्रम में हम लोगों ने एनडीआरएफ की टीम के लिए भी रिक्वेस्ट की और उनके हेडक्वार्टर में बात की और मुझे उम्मीद है कि जल्दी हमें एनडीआरएफ की टीम भी इसमें मिल जाएगी। सिमिलरली जो दूसरे डिपार्टमेंट है वो भी लगातार सहयोग कर रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारा फॉरेस्ट फायर पे कंट्रोल हो जाएगा जल्दी। निश्चित रूप से जो जंगलों में आग लग रही है वो चिंताजनक है और मैं समझता हूँ, मैंने तो मांग भी करी थी अभी मुख्यमंत्री जी से भी और विधानसभा अध्यक्ष से भी कि केवल वनों के लिए एक दिन का विशेष सत्र आना चाहिए जिसमें सारी चीजों के बारे में चर्चा की जानी चाहिए।